a big shout out and lots of love to all the people of Lahore. तालियां. तो ईद, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, खुशियां बांटने का नाम है. आज है बड़ी ईद, और बड़ी ईद पे जो लोगों का जहन है वो जाता है खापे की तरफ थोड़ा ज़्यादा. आपने कंट्रोल करना है खाने पे, और अपने पेट पे आपने थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है, क्योंकि बहरहाल ये पेट आपका अपना ही है. अगर इस पे आप ज़ोर ज़्यादा डालेंगे तो तबीयत भी आपकी ख़राब होगी. खाने की जहाँ तक बात है, हमारे जो आज के पहले गेस्ट हैं वो हैं एक ज़बरदस्त फूडी, और क्योंकि ईद खुशियों का नाम है तो वो खुशियाँ बिखेरने के भी एक्सपर्ट हैं. इंतहाई एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी के मालिक, इंतहाई मल्टी टैलेंटेड शख्सियत के मालिक, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हंसी मजाक के बेताज बादशाह, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर अहमद अली बट. अब यहाँ ईद मुबारक. बस 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 बस, फैमिली शो. नजर भी ना लगे ना, फूंक भी मारती मैं. बादशाह सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ए वन, अल्लाह का शुक्र है आपने बुलाया. ईद वाले दिन आपको शर्म नहीं आई? यार तालियां भट्ट साहब के लिए, भट्ट साहब हमारे शो में. भट्ट साहब, ईद की बात भी होती है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक. खैर मुबारक. आपके घर वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. थैंक यू वेरी मच. हमारे सारे देखने वालों को भी आप एक बार ईद मुबारक. आपने बकरा किया, लेला किया, वेड़ा किया, क्या किया? संडा बकरे? हाँ. कितने? दो. हाय हाय हाय. साहब एक बात तो बताएं, माशाल्लाह आप इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, यार आप होस्टिंग छोड़ क्यों नहीं देते, दूसरे लड़कों को दें कोई मौका वो करे? नहीं, मैंने, कर लें. मैंने छोड़ी थी मगर कोई अच्छा आया ही नहीं, इसलिए मैं फिर से वापस आ. अच्छा, फिर से आप. नहीं यार, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं. देखिए, आप पहले लोगों को, आप पहले उनके ऊपर उनके काम को क्रिटिसाइज करते थे. हाँ. आपका बड़ा अच्छा एक शो था. फिर किसी ने आपको कहा कि भैया आप बड़े अच्छे लग भी रहे हैं, आपने जेपीएनए 2 में काम भी किया. हाँ. वासे ने आप में ये कीड़े डाले. हाँ. और आज आप होस्ट हैं, और माशाल्लाह यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब. स्टार से सारा क्रेडिट उनको जाता है जेपीएनए 2 में. सर वो तो जाता है. और थे कुछ बड़े अजीम किस्म के दो अशखास, वो थे कोई अहमद अली भट्ट साहब थे, वासे चौधरी, हुमायूं सईद. हाँ, ये तीन लोग थे. इन्होंने बड़ा एक्चुअली तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बात तो ये है, तो कहने की तो मेरा मकसद ये है कि माशाल्लाह इतने मल्टी टैलेंटेड आप आदमी हैं, तो बट सब क्या आपने अपने कैलेंडर में बारियां लगाई हुई हैं कि यार कि ये 4 महीने मैंने ये करना है, ये 2 महीने मैंने ये करना है, ये 3 महीने मैंने ये करना है? कैसे ये आपका जो प्रोग्रेशन है करियर का, कैसे आप डिसाइड करते हैं कि क्या करना आगे? अब मैंने बल्कि कम कर दिया, अब तो बहुत ही कम कर दिया. अब कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरता है और आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं. अब नाउ माशाल्लाह आई हैव बीन इन द बिजनेस More than 25 years. MashaAllah. So, अब आप पे वो कहते हैं, फिर आप थोड़े से choosy हो जाते हैं. You know, beggars are choosers. आप हो गए choosy? हम choosy हैं जी, बड़े अरसे से choosy हैं. अच्छा? हाँ जी. आजकल किस चीज पे ज्यादा फोकस जा रहा है होस्टिंग के अलावा? आजकल आप एक्टिंग भी नहीं कर रहे यार इतने अरसे से. अब नहीं, एक्चुअली मैंने 3 फिल्में की, तीनों डब्बों में बंद है. बंद हो गई, रिलीज ही नहीं हो रही. क्यों? 3 फिल्में. वजह? आई थिंक किस्मत पैड़ी है शायद. मगर हालात ही सिनेमा के इतने बुरे हो गए हैं कि बेचारे प्रोड्यूसर्स, और मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि किसी ने भी अगर 10-15 करोड़ रुपया फिल्म पे लगाया हुआ है, दे आर नॉट विलिंग टू रिलीज द फिल्म अनलेस एंड अंटिल उनको पता है कि यार हमें 70-80 स्क्रीन्स मिले. हाँ. जो आपके 92-93 स्क्रीन्स थी वो अब आई थिंक बैक टू 65-63 स्क्रीन्स हमारे पास रह गई हैं, तो वो कहाँ से पैसे कवर करें? टीवी भी नहीं कर रहे आप, मतलब एज एन एक्टर? झूठी. एज एन एक्टर आई थिंक उसके लिए मुझे कराची में क्योंकि मैं बड़े कोई साल 1.5 साल से आई एम फोकसिंग मोर ऑन लाहौर, आई एम फोकसिंग मोर अपनी फैमिली के साथ, एंड आई एम फोकसिंग विद अ शो दैट्स गोइंग ऑन. या एंड उसके साथ से मेरा ख्याल है कि एक्टिंग के साथ साथ आई एंजॉय होस्टिंग मोर. या सो आई एम बैक, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ होस्टिंग. म्यूजिक हैज आल्सो टेकन अ बैक सीट. म्यूजिक नए बच्चे बहुत अच्छे आ गए और बड़ा अच्छा. अच्छा, होस्टिंग में नए बच्चे नहीं आए, म्यूजिक में नए बच्चे अभी तक? यार देखें, होस्टिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरह की होस्टिंग है. कॉर्पोरेट होस्टिंग हो रही है, टेलीविजन होस्टिंग हो रही है, मॉर्निंग होस्टिंग है, इवनिंग होस्टिंग है. सो आई थिंक होस्टिंग के अंदर वी नीड अ लॉट मोर पीपल. अभी तो बहुत कम लोग हैं. बट सर पैसे ज्यादा किस होस्टिंग में? आई थिंक पैसे होस्टिंग में ज्यादा अच्छे मिलते हैं. कौन सी वाली होस्टिंग जो आप कह रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह? देखिए अवार्ड्स मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अवार्ड्स जो है वो साल में इक्का दुक्का होता है, ठीक है ना. जो हमारी कॉर्पोरेट होस्टिंग होती है, जो टेलीविजन होस्टिंग होती है, दैट्स अ वेरी दैट्स द क्लोजेस्ट टू थिएटर दैट आई कैन गेट. सो आई एंजॉय मोर. यू एंजॉय इट मोर? ऑब्वियसली यू होस्ट अ शो एज वेल. जी जी.
उसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब ऑब्वियसली एक तो होस्टिंग होती है जैसे एलएसए पे आप लोग करते हैं या दूसरे अवार्ड शोज पे करते हैं, वो तो एक आपकी सेट हुई हुई है यार के बट साहब आ गए। नहीं नहीं देखे, मैंने इस दफा एलएसए नहीं किया यार, नहीं किया लेकिन फिर भी आपने किया। मगर मगर ताबिश ने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है फहद ने भी ठीक है। नहीं बट बात ये हुई ना करते हुए भी आप काफी कुछ कर गए ऑडियंस में बैठे हुए भी। तो जो टीवी होस्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर मीटिंग न्यू गेस्ट एवरी डे, कुछ के साथ आपकी अपने भी हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है। लोग कहते हैं यार कि होस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाती है, जज्बात आड़े आ ही जाते हैं सामने। देखिए न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है, अब तो न्यूट्रल भी न्यूट्रल नहीं रहे, सो हम कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं। But what was your most challenging episode so far? While hosting? Yeah, while hosting your show. I think बहुत से थे, कुछ ऐसे episodes थे जो obviously बात है, because you're doing comedy, so आपको एक response time होता है कि जी 30 seconds बाद laughter लेना है। लेकिन कुछ हमारे episodes ऐसे गए थे जो बहुत ही serious हो गए थे, और कुछ ऐसे भी episodes थे जिस तरह यूसुफ अली साहब का एक बड़ा iconic episode था। That started and we normally wrap up the episode in 2 hours. 2 hours में हमारा खत्म हो जाता है। We recorded that episode for more than 5 hours. More than 5 hours? More than 5 hours. Why? इतना अच्छा वो बोल रहे थे और इतना serious वो बोल रहे थे और पाकिस्तान की history उन्होंने बयान की और वो 2 episodes पे गई। और उसमें बहुत सी उन्होंने बातें की, कुछ on air नहीं हुई, मगर I think that was one of the most meaningful episodes. फिर अमजद इस्लाम, अमजद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ एक बड़ी मज़ेदार हमारी एपिसोड थी। तो बड़े आइकॉनिक लोग आए हैं और बड़ी अनएक्सपेक्टेड से आप कहते थे, आई थिंक वो इफ्फत वाली एपिसोड कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गई जो हम लोगों ने इतना प्लान नहीं किया हुआ था। तो यस, बड़े मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार ये चीज़ अच्छी जाएगी कि नहीं, गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल गेस्ट के ऊपर करता है। गेस्ट अच्छा हो ना, गेस्ट अच्छा हो तो क्या ही बात है, वाह। आज के एपिसोड की रेटिंग डिटरमिन करेगी कि गेस्ट कैसे थे। सर देखें, गेस्ट अच्छा हो मैटर ही नहीं करता कि होस्ट कौन है। मैं काट हूं जाना दिया दे उसे, तू ही कर लो। नहीं नहीं मुझे ये बताएं, अब आप माशाल्लाह सीनियर होस्ट हैं आप, हैं सीनियर सीनियर होस्ट है, वो टिप्स ही दे दें यार, क्योंकि गेस्ट अगर किसी दिन तपा हुआ आए, कोई अच्छे मूड में नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने कहा यार क्या कमाल लग रहे हैं आप, टाइम पे आ जाते तो क्या ही बात थी, एक कॉम्प्लीमेंट था, एक कॉम्प्लीमेंट था, मूड सेट हो जाता है। अच्छा कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं, आई एम श्योर यू लग रही, वो आते साथ ही ना दे थ्रो देयर वेट अराउंड टू एस्टैब्लिश देयर टेरिटरी, के यार अब मैं आ गई हूँ या मैं आ गया हूँ, और ये क्या हुआ है, मैं गाड़ी क्यों नहीं टाइम पे आई, ये क्यों नहीं हुआ, आपने डायरेक्शन क्यों नहीं दी, ये टक। अच्छा, बंदा नहीं कभी करेगा, नहीं करेगा क्यों, क्या ये आपको भी पता है, आप किसकी बात करें, शर्म करें। लेकिन क्या होता है इस तरह की सिचुएशन? आई थिंक वो इसलिए भी होता है कि मैनू चिड़कना पे, तो मैं पहले ही मतलब नहीं होता कि यार इससे पहले कि मुझे डांटे मैं उनको डांट दूंगी। तो ये बहुत लोग इस तरह की टैक्टिक्स करते हैं, ये अच्छी टैक्टिक, मगर मैं वक्त का जरा पाबंद हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं आप तो आज भी टाइम से, बल्कि आप ईद से पहले ही आ गए, मैंने आपने कहा था, मैं तो ये देखे हम 15 दिन पहले रिकॉर्ड करें। बट सर विद योर परमिशन मैं एक गेस्ट को और इनवाइट करना चाहूंगा, आप इजाजत दीजिए, बैठ जाते करूँ करूँ।